अस्सलाम वालेकुम, मैं कान मामा TTC फाउंडर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहबाज फूड जहाँ सस्ती रोटी प्रोजेक्ट लगाया था तमाम मुख्य रजत भाइयों और बहनों और तमाम दोस्तों की मदद से। शहबाज फूड में ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। गैस अगर आपको चाहिए तो 220 रुपये किलो की LPG गैस मिलती है, वो आपको खरीदनी पड़ेगी। सिलेंडर लेके आपको घर पे डालना है, उससे आपका खाना पकेगा जो आपके बच्चे रात को पेट भर के खाएंगे। दुनिया चांद पर पहुंच चुके, लेकिन आज भी शहबाज बोर्ड के लोग जो है वो लकड़ियां जला के अपना रात का खाना पका रहे हैं। मेन मकसद हमारा मोटिव से इतना है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ के लोगों की हम खिदमत करें, उनको कुछ ज्यादा नहीं तो 3 टाइम का खाना पेट भर के खिला सकें, बस इतनी सी कोशिश है। यहाँ पे सिर्फ 500 रुपए रोटी 50 रुपए का सालन चला रहे, ताकि वो मजदूर जो सुबह जा रहा है शाम में आ रहा है 500 रुपए रोटी अपनी मजदूरी कमा के सिर्फ पेट भर के खाना खाए। यहाँ पर मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो 40-40 रोटियां लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर के अंदर 20-20 लोग रहता है। 40 रोटी लेके जाते सिर्फ 200 रुपए, 2 सालन लेके जाते 100 रुपए के अंदर, 300 रुपए में उनकी 20 फैमिली की जो है ताजा पेट भर के खाना खाते हैं। कोई बहुत बड़े लोगों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन की तरफ से सपोर्ट नहीं है, कोई बहुत बड़े फ्लोर मिल्स की तरफ से सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर छोटे और मिडिल क्लास फैमिलीज की तरफ से सपोर्ट है। MTFT डॉक्टर रिहान रजा की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, जिनकी सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे सेटअप चला रहा हूँ। उनकी तरफ से 25 आटे की बोरियाँ, सलीमी ग्रुप ऑफ ब्रदर्स है, क्या करते, कुछ भी नहीं करते, जॉब करते, उनकी तरफ से सपोर्ट है, उनकी मदद से मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। और इनके अलावा जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट है वो इसी गोट के लोगों की है। कोई बंदा मुझे 1 किलो आटा यहाँ पे देके जाता है, कोई बंदा 2 किलो आटा देके जाता है, खान भाई ये 1 किलो आटा है, आप मेरी तरफ से चला लो, किसी के घर में रोटी पक के जाएगी, खाना खाएंगे, रात को सोएंगे पेट भर के, इसका अजर अल्लाह ताला मुझे देगा। 1 किलो आटा देके जाता है ये इनका। बस इतना से कहना चाहूँगा, इतनी सी गुजारिश है आप जैसे लोगों से तावन करें, 1 किलो आटा, 5 किलो आटा, 10 किलो आटा, जितना हो सके कोशिश करें हमारा साथ दें, ताकि इस महंगाई के तवे पे जिस पे खाना खाना मुश्किल हो चुका है, तो हम अपने लोगों को भूखा ना सोए नहीं दें, खाना खिला के सोएं।